अदर नेटवर्क को, तो वो चेक करते हैं कि वहाँ IPFO से दिक्कत थी या कैसे। तो जैसा कि आप दोस्त देख रहे हैं कि इसमें नेटवर्क हमारा आ चुका है, और जैसे सिम लगाया नेटवर्क प्रॉपर वे में आ चुका है, और यहाँ पे वोल्टी और LTE दोनों आ चुका है, और ये प्रॉपर वे में आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि कॉल लगा के कि कॉल हमारी लग रही है नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रफीक सर, और आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो है कि रेडमी का 10S प्राइम है, और इसमें क्या जो प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें सम टाइम कभी नेटवर्क आ जा रहा है, लेकिन कई बार ये बिल्कुल नहीं आता। अगर दोबारा सिम वगैरह डालते हैं तो ये 4G बिल्कुल वर्क नहीं करता है, और कई बार आप सर्च करो तो सर्च करने पर प्रोवाइडर लिस्ट आता है, लेकिन ये नेटवर्क सेलेक्ट नहीं होता। तो आज हम बताएंगे इसमें कि किस तरह की प्रॉब्लम है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन में ये Redmi 10S प्राइम है, और इसमें जैसा कि हमारे देख रहे हैं कि नेटवर्क अभी जो है इमरजेंसी कॉल आ रहा है, और कई बार इस पर किसी व्यक्ति की किसी दुकान से हमारे पास आया, किसी वो ले गया कि सर मैंने वहाँ दिखाया है लेकिन ये सेट हमारा बना नहीं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करूँगा कि हमारे फ़ोन में प्रॉब्लम कहाँ से है और किस हिसाब से ये रिपेयर होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कैमरे में, जैसे इसमें सिम डली हुई है, जैसा कि आप सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये अबाउट मॉडल नंबर में जाएंगे, ये मॉडल नंबर है Redmi 10 Prime। 10 प्राइम में क्या दिक्कत आ रही है, जैसे कि हमने सिम डाल दिया, सिम डालने के बाद भी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि नेटवर्क पर कट का निशान आ रहा है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा है, और जिसको मगर सेटिंग में जाके इसको जैसे हमने देखा होगा आपने कि इसको हमने जैसे वोडाफोन की सिम डाली हुई है, लेकिन इसको जब हम सर्च करते हैं तो सर्च करने पर हमारे को क्या दिखाता है। तो एक बार मोबाइल नेटवर्क को हम सर्च कर लेते हैं, और सर्च करने के बाद देखते हैं कि क्या शो करता है, क्योंकि इसी बिहार पे आप फ़ोन की रिपेयरिंग कर सकते हैं आसानी से, और इससे पता लग जाएगा कि हमारे की कौन सी IC की प्रॉब्लम है और कुछ IC पे हमें काम करना है। तो ये सर्चिंग चल रहा है, तो सर्चिंग के बाद इसमें देखते हैं कि क्या नतीजा आता है, नॉट फाउंड आता है या कोई लिस्ट शो करता है, उसी अकॉर्डिंग हमें इस पर काम करना है। तो अभी फाइनल पता लग जाएगा कि हमारी कौन सी IC की प्रॉब्लम है, उसी IC सेट को ओपन करने के बाद हम बताएंगे आपको, क्योंकि किसी बंदे ने और ने भी देखा हुआ है कि इस पर इसने क्या काम किया है, हमें नहीं पता, लेकिन जब इसको ओपन करेंगे तो उससे हमें पता लगेगा कि हमारे फ़ोन में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सर्चिंग चल रही है, अब जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें जैसे ये सर्चिंग करने पर क्या हुआ, वोडाफोन 3G और 2G नेटवर्क शो कर रहा है, लेकिन इसको देखते हैं कि हमारा 4G तो अभी सेलेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि जो 3G नेटवर्क है वो सेलेक्ट हो रहा है या वो भी नहीं हो रहा। तो ये सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया, 4G हमारा शो नहीं कर रहा है, तो वो किस हिसाब से आएगा वो भी देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑन वोडाफोन 3G हो रहा है, लेकिन ना इसमें 3G 2G और 4G कोई नेटवर्क अभी कम पकड़ नहीं रहा, और ये प्रोवाइडर लिस्ट आ गया लेकिन ये नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। तो ये नेटवर्क हमें प्रॉपर वे में वन टाइम है, और यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे कोने पर जो यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन के पास यहाँ पे 4G लिखाना चाहिए, जब हमारा नेटवर्क प्रॉपर वर्क करेगा। तो अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और देखते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो पा रहा है या कुछ फेल आता है या सक्सेस होता है, उस बिहार पे हम काम करेंगे। देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा आ गया, कांट कनेक्ट टू दिस नेटवर्क, यानी कि कोई नेटवर्क पकड़ा है नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको फ़ोन को ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद दिखाएंगे कि इसमें हमें कौन से IC पे काम करना है और हमें क्या क्या वे पे इस पर चेक करना है और क्या क्या चेक करना है। तो सबसे पहले हम नेटवर्क सेक्शन के पास या नेटवर्क IC के पास, जैसे मैंने POFO की पहचान पिछले वीडियो में बताया था, उस IC के बाद देखेंगे कि हमारी प्रॉपर वोल्टेज मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर प्रॉपर वोल्टेज आने के बाद भी नेटवर्क काम नहीं करता है, इमरजेंसी कॉल आ रहा है सिम डालने पर भी, सिम डालने पर भी इमरजेंसी कॉल जैसे आता है तो इसको अभी बताया कि इसमें क्या प्रोसेस है, क्योंकि प्रोवाइडर लिस्ट आता है लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा। तो इस कंडीशन में हमारी POFO की प्रॉब्लम होती है, POFO IC जो होती है वो हमारी प्रॉपर काम नहीं करता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी भी सेट को ओपन करेंगे। सेट ओपन करने के लिए क्या होता है कि पीछे का कई सेट सब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से खुलता है, लेकिन इसकी जो पीछे की बॉडी किसी ने पहले से खोला हुआ है तो इसमें आसान वैसा भी, क्योंकि पीछे से थोड़ी हीट करेंगे और हीट करके फिर ये इसका ढक्कन आपका ओपन हो जाएगा। तो ये ढक्कन जैसे आप ओपन करते हैं तो इसको आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप ढक्कन को ओपन करें, ये अभी चिपका होता है लेकिन अभी चिपकाने रखा है, तो इसको ढक्कन को इस तरह से ओपन किया, इसके ऊपर स्क्रू लगे होते हैं तो स्क्रू को आप ओपन करेंगे। उसके बाद इसमें से क्या करेंगे, आप सिम निकाल दीजिए, क्योंकि ये फ्रेम निकलेगा पूरा, यहाँ से आप सिम निकाल दें। और सिम निकालने के बाद ये पेज आपने ओपन कर दिया, उसके बाद इसको साइड से
इस तरह से हमने ओपन कर दिया। इसमें आप दोस्तों देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें किसी ने पहले से ही काम किया हुआ जिससे कि वो सेट बना नहीं और इन्होंने कस्टमर को वापस दिया। तो मैं इसमें देख सकते हैं कि पहले किसी ने वायर वगैरह कर रखा है और आईसी पे भी काम किया हुआ, लेकिन मैं फाइनली यहाँ वोल्टेज चेक करूंगा। वोल्टेज चेक करने के बाद कंडीशन क्या है वो बताऊंगा कि किस आईसी की दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे जो आईसी लगी हुई है एक नेटवर्क आईसी है और ये पीएफओ है और एक ये 4G के लिए है। तो हम भाई हमारा 2G और 3G वर्क भी नहीं कर रहा, 4G तो हम बाद में देखें। जब ये अगर प्रॉपर वर्क करने लग जाएगा तो हमारे सारे नेटवर्क आ जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं माइक्रोस्कोप पर और देखते हैं कि क्या कंडीशन है फ़ोन की। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जैसे नेटवर्क अगर किसी फ़ोन में नहीं आता है तो हमारी ये नेटवर्क आईसी है या तो पीएफओ है तो ये काम कर रही है नहीं कर रही है, यहाँ वोल्टेज बन रहा है, या अदरवाइज हमारी पावर आईसी से भी दिक्कत होती है या बीपीएच लाइन बन रही है नहीं बन रही। तो ये सबसे पहले आपको क्या होता है कि इसमें वोल्टेज चेक करना होता है। अगर वोल्टेज आप प्रॉपर वे में अगर वोल्टेज आता है तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, सबसे पहले यहाँ पर आपको रेड वायर को ग्राउंड पे रखें और इसके जो कैपेसिटर लगे होते हैं पीएफओ के आसपास तो वहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बीपीएच लाइन जो होती है हमारी वो 3.7 वोल्टेज तक बनती है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि देखिए 3.8 वोल्टेज यहाँ पे बन रही है और जिस पे यहाँ पे क्वाइल है, क्वाइल पे भी चेक करें तो यहाँ पे भी हमारे प्रॉपर रेजिस्टेंस पे वोल्टेज आ रही है। और ये जो नेटवर्क आईसी होती है हमारी ये वाली जो होती है ये पीएफओ हमारा मतलब पावर की सप्लाई हमारी ओके है लेकिन पीएफओ हमारी काम कर नहीं रही है और ये मतलब वोल्टेज हमारी सही बन रही है। अभी देखते हैं कि हमारी जो इस आईसी को जो नेटवर्क आईसी को सप्लाई मिलती है पावर से वो हमारी आ रही है भी या नहीं आ रही, वो चेक करते हैं। 1.8 वोल्टेज के आसपास हमारी आनी चाहिए, ये चेक करते हैं। कभी भी वोल्टेज आप चेक करेंगे तो इस वोल्टेज जो चेक होगा आपका वो आपके सिम लगाने के बाद ही वोल्टेज चेक होती है हमारी प्रॉपर वे में। तो ये देखिए 1.8 वोल्टेज हमारे को यहाँ पे बगल में मिल रही है, यानी कि हमारी पावर की लाइन ओके है। और प्रॉब्लम जो है हमारी ये भी, यानी कि ये सर्चिंग जो कर रहा है तो प्रोवाइडर स्टार है, ये भी आपका काम सही कर रही है नेटवर्क आईसी। जो प्रॉब्लम जो है हमारी वो रिसीविंग में है, यानी कि रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग की जो दिक्कत है वो पीएफओ की है। तो जो फर्स्ट अप लाइन जो जाती है वो पीएफओ में जाती है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे वोल्टेज बन रही है, वोल्टेज की कोई लाइन की प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इस पीएफओ को बदलेंगे और बदलने के बाद देखते हैं कि हमारे नेटवर्क प्रॉपर वर्क में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये देखते हैं कि नेटवर्क हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये प्रॉपर चेंज करते हैं। तो पीएफओ को निकालेंगे और चेंज करेंगे, पीएफओ चेंज करने के बाद देखते हैं कि हमारे फोन में क्या नतीजा आता है। तो इस प्रकार से अब इस पे थोड़ा थोड़ा सोल्डिंग कर ले आप, क्योंकि जो भी आप पीएफओ लगाएं तो आसानी से पकड़ लें। तो जैसा कि मैंने किसी दो सेट से निकाला है और इसकी पीएफओ लगा रहे हैं, दोस्तों हीट का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा हीट नहीं देना है। अगर 380 के आसपास हीट रखें, एयर दो पे रखें और इस हिसाब से हीट आराम से करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट करने से क्या होगा, ये मदरबोर्ड हमारी फूल जाती है और सेट हमारा डेड तो नहीं होगा लेकिन क्या होगा कि नेटवर्क परमानेंट गायब हो जाएगा और नेटवर्क आएगा नहीं। तो इस चीज़ का हमेशा प्रॉपर ध्यान रखना होता है। तो इस प्रकार से अभी हम पीएफओ आईसी को सेट कर रहे हैं और हिला के देखते हैं, और जैसा कि ये देख रहे हैं हिल रहे हैं और ये प्रॉपर अपनी जगह बैठ चुका है और फाइनली ये है। अब इसको हम थोड़ा सा आईपी से क्लीन करेंगे, आईपी से क्लीन करने के बाद फिर इसको फिक्स करेंगे और चेक करेंगे कि देखते हैं कि प्रॉपर नेटवर्क हमारे फ़ोन में आया नहीं आया। इस तरीके से आपको डिफरेंट फॉल्ट के वीडियो मिलती रहेगी और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। और हमारे यहाँ इसके अलावा भी कई कोर्स होता है, जैसे लैपटॉप, LED, CCTV, AC, फ्रीज, ये सब कुछ का भी कोर्स आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो हमारे इंस्टीट्यूट मल्टीटेक से कॉन्टेक्ट करें और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे अभी देखते हैं दोस्तों कि हमारे फ़ोन में नेटवर्क आया नहीं आया, तो ये प्रॉपर हम सफाई करेंगे, अभी साफ करके चेक करेंगे। देख रहे हैं मैंने ये जंपर जैसे लगा हुआ था वो मैंने कर दिया है, अब इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे प्रॉपर सिम वगैरह डाल के इसकी कनेक्टिविटी करके कि हमारे फ़ोन में जो नेटवर्क
नो इमरजेंसी कॉल आ रहा था, नो सर्विस आ रहा, सर्च करने पे सिर्फ 2G और 3G दिखा रहा था, वो क्या प्रॉपर हमारा सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ? तो एक बार हम सिम डालते हैं। सिम डाल दिया मैंने और सिम डालने के बाद सेट को ऑन करेंगे। जैसा कि सेट ऑन हो चुका है, अभी चेक करते हैं कि हमारे फोन में टावर आया नहीं आया। तो सिम मैंने लगा दी है और वेटिंग पे है, और जैसे सेट ऑन होता है तो पता लग जाएगा कि हमारे फोन में टावर आया, नेटवर्क आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, और आ जाता है तो इसका मतलब यही आई थी, तो हमारी जो रिसीविंग में प्रॉब्लम आ रही थी और वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा था नेटवर्क को, तो वो चेक करते हैं कि हमारे PFO से दिक्कत थी या कैसे। तो जैसा कि आप दोस्त देख रहे हैं कि इसमें नेटवर्क हमारा आ चुका है, और जैसे सिम लगाया नेटवर्क प्रॉपर वे में आ चुका है, और यहाँ पे वोल्टी और LTE दोनों आ चुका है, और ये प्रॉपर वे में आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि कॉल लगा के कि कॉल हमारी लग रही है नहीं। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे इंस्टीट्यूट में आए और सीख के जाए, और कोई भी फ़ोन रिपेयरिंग के लिए भी आप यहां ला सकते हैं, और यहां आप खुद या सर से भी करवा सकते हैं। इस प्रकार आप चेक करेंगे तो ये देखिए प्रॉपर वे में हमारे फ़ोन में नेटवर्क आ चुका है, और ये देखिए अभी कॉल भी लग चुकी है और आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। ये देखिए तो इस तरह से आप कोई भी फोन को सॉल्व कर सकते हैं और प्रॉब्लम को हल निकाल सकते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। अगर मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं आप तो बिल्कुल हमारे इंस्टीट्यूट को संपर्क करें, और अच्छे से अच्छे वे में प्रोफेशनल टीचर द्वारा आपको काम सिखाया जाता है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।